और अब है राजिक पंटा के परफॉर्मेंस की, तो स्वागत है बेंगलुरु के 10 साल के लिटिल मास्टर सदवेन और जयपुर के सिर्फ 7 साल के शायरी के बाप यानी कि सचिन चौधरी का जोरदार तालों से स्वागत करें। क्यों बेटा सदवेन नहीं आने वाले आज? आज मौन रथ रखा है बेटा। मेरे को तो नहीं मालूम। वो मुझे लगाने के बाद जो हम लोग की हालत वो हो गया उसका। हंस के दिखा बेटा, हंस के दिखा। सचिन एंड सदवेन ऑल द बेस्ट। बोले दो एकदम झकास। अरे अरे अरे, जानते हैं सबसे पहले अक्षय सर से ही। अक्षय सर आप बताइए, आपको इनका ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? सबसे पहले ये कहूंगा कि इन्होंने जो केबल बांध के रखी थी, केबल के साथ डांस करना और कोऑर्डिनेट सही टाइम पे हाथ आगे लाना, सही टाइम पे हाथ पीछे लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज मैंने बहुत सारे केबल का काम किया हुआ है, लेकिन उसके साथ मैंने खुद भी कभी डांस नहीं किया एंड दे परफॉर्म्ड इट वेरी वेल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यू ऑल बॉयज वर अमेजिंग द वे यू ऑल परफॉर्म। थैंक यू सोनाक्षी। रियली नाइस। मुझे हमेशा ख्वाहिश है मेरी कि मैं कभी लाइफ में एक एरियल एक्ट करूं, बट मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। इतने छोटे बच्चे होकर आपने इतना खूबसूरती से ये एक्ट किया। आई थिंक इट वाज रियली नाइस, विजुअली सो अपीलिंग, डांस स्टेप्स इतने अच्छे थे। सो कॉन्ग्रेट्स टू यू ऑल ऑल्सो एंड छोटूज ऑल्सो। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। और आप जानते हैं मास्टर से, और सबसे पहले पूछेंगे मास्टर अहमद से। अक्षय सर जो है वो इंडस्ट्री के केबल मास्टर हैं, और आपने उनके आगे ये एक्ट किया है और उनको गलती नज़र नहीं आई है, तो हम लोग गलतियाँ कैसे निकालेंगे? अहमद, दिस इज रियली नॉट सो इजी व्हाट दे डिड। एब्सोल्युटली। और वो भी ये उम्र के अंदर, मुझे लगता है एक 3 साल का और एक कितना है 8 साल का। नहीं इतना भी नहीं है, वो दिखता है। अच्छा वो दिखता है। मैं 7 साल का हूँ। 7 साल का। अभी ना अक्षय इसकी मूंछ निकली है, अब जबान खुलेगी। जबान निकलेगी तो कितनी उम्र बढ़ेगी आपको पता चल जाएगा। अरे मैं अभी तक जुबान नहीं खुली थी, मैं समझा ये 3-4 साल का होगा। अरे नहीं भाई। अक्षय सर चले। अरे मैं बोलू कमेंट दू हैं, बहुत अच्छा सदवेन, यू वर सो गुड दैट
ये बहुत गंदा था। अरे ये छोटा एक जगह आप लोगों ने यहाँ पर किया। अरे कैसे किया वो? ये कौन करता है? अक्षय कुमार सर। उनको बोलो जरा करके दिखाएं। करके दिखाओ ना सर। और ये सोनाक्षी जी भी अच्छी तरह करते हैं, करके दिखाइए प्लीज। एक बार करके दिखाओ ना सोनाक्षी दीदी। और दादा 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 एक बार या दादा कम आ दादा सबसे अच्छा करते हैं। हाँ सबसे अच्छा। दादा वो फीलिंग वाली चीज थी, वो नाक में मच्छर घुस गया वो वैसे वाली फीलिंग नहीं चाहिए थी दादा। क्या बोलना क्या जब वो थोड़ा वो फीलिंग वाला जो नेचुरली आपके अंदर से आता है वो वाला करो ना। ये बहुत नेचुरल था। क्या बात कर रहे हो? आगे आगे बोलो आगे। हो गया मेरा मास्टर गीता। इतना ही कहूंगी कि नॉर्मली जब हम एरियल एक्ट्स देखते हैं दे ऑलवेज वी ट्राई टू फॉलो के बाहर के एक्ट्स देख के हम कहते हैं कि दीज गाइज डिड अ फैंटास्टिक जॉब। ज़्यादा करके उनके केबल्स विंचेस पे होते हैं एंड दे आर मैकेनाइज। दाद देनी पड़ेगी कि जब भी हम एरियल एक्ट यहाँ पे करते हैं दे आर मैन्युअली डन। एंड जो लोग नहीं समझ पाते हैं कि मैन्युअली इन चीज़ों को करना ज़्यादा डिफिकल्ट है देन डिपेंडिंग ऑन अ मशीन टू डू इट। सो आई थिंक दैट इज़ अ जॉब वेल अचीव्ड। जहाँ तक इनका सवाल है बहुत कोशिश की क्योंकि ये अपने कंट्रोल के बाहर हो जाता है। वंस यू आर इन दी एयर आप कहाँ आपटने वाले हो क्या करने वाले हो, अगर वहाँ पे टाइमिंग पे पहुँच गए तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में ये समझदारी रखना कि यहाँ पे अगर मैं नहीं पहुँचा तब भी मुझे एक्ट जारी रखना है। आई थिंक दैट अवेयरनेस एंड अलर्टनेस के लिए सबसे ज़्यादा तालियाँ बजनी चाहिए। सो आई थिंक बोथ द किड्स डिड अ फैंटास्टिक जॉब। टाइमिंग अगर और अच्छा होता तो आई थिंक दिस वुड हैव बीन अ फैबुलस एक्ट, इवन बेटर एक्ट। थैंक यू सो मच मास्टर्स। लेकिन मैं गिद्धू आपके साथ एग्री करूंगा और साथ साथ ये भी कहूंगा कि उम्र देखिए, केबल एक्ट करना इस उम्र में आई थिंक इट्स क्वाइट टफ, क्योंकि बड़े बड़े हम भी हिल जाते हैं। लेकिन दोनों को मैं इसलिए दाद दूंगा कि आपने दोनों ने बहुत अच्छी तरह से इसको निभाया, तो मेरी तरफ से तो बनता है आपके लिए। क्या बात क्या बात क्या बात। Thank you so much, Grandmaster.